हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, नीटो बॉन्ड। नीटो बॉन्ड क्या होता है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किसी भी आप कहीं भी कंक्रीट या छत का ढलाई करते हैं तो वहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन जो ज्वाइंट जो छूट जाता है, पुराना ओल्ड ज्वाइंट हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा केमिकल लगाना चाहिए लीकेज से बचने के लिए। जैसे कि आप लोगों के सामने ये दिख पा रहा होगा, ये हमारा नीटो बॉन्ड एजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ज्वाइंट आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर इस ज्वाइंट पर हम इसको लगाएंगे। क्या रेशियो रहता है, कैसे मिक्सिंग करना है, इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ये हमारा वेस्टी ओवरहेड टैंक में हमारा कंक्रीटिंग चल रहा है बॉटम डोम का, तो हम पूरे ज्वाइंट पर मेंटेन करते हैं। जो भी हमारा ज्वाइंट आता है उस ज्वाइंट पर हम नीटो बॉन्ड का यही वाला यूज करते हैं। तो मैं आज आपको पूरा मिक्सिंग करके बताऊंगा कि नीटो बॉन्ड क्या रेशियो में मिक्स करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको पूरा नीटो बॉन्ड के बारे में पूरा डिटेल से आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को नीटो बॉन्ड का डब्बा दिखा देता हूँ। डब्बे में कौन मेन मेन पॉइंट टॉपिक क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बता देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने ये हमारा नीटो बॉन्ड का ये डब्बा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर बॉन्डिंग ओल्ड टू न्यू कंक्रीट सरफेस, ठीक है। हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, कैन बी अप्लाइड ऑन वेट कंक्रीट सरफेस, ठीक है। हम वेट कंक्रीट सरफेस पर भी हम अप्लाइड कर सकते हैं, मतलब जो गीला कंक्रीट होता है उसके ऊपर भी हम इसको लगा सकते हैं। इसका जो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.65 लीटर का एक हमारा ये कौन सा है पार्ट वन बेस, इसका हमारा एक पार्ट टू भी आता है, दोनों को हमको मिक्स करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट टू का भी है इसमें होगा, हमारा ये पार्ट वन था और इसमें इसका भी सेम टू सेम हमारा एक पार्ट टू भी होता है। दोनों को हमको सेम रेशो होता है, रेशो के हिसाब से आपको मिलाना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो हमारा कितना 1.35 लीटर होता है, ठीक है। तो एक को हमारा कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डब्बा आपके सामने है। एक को हमारा 2.65 लीटर है और एक ये हमारा 1.35 लीटर है, ठीक है। तो हमारा इसका जो रेशियो होता है मिलाने का 1:2 का होता है, ठीक है। तो एक डब्बा हम ये वाला मिलाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक डब्बा ये मिक्स करेंगे, ठीक है। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, उसके बाद जो ब्रश होता है, ब्रश या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ से हमको जो ज्वाइंट दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट आप लोगों को दिख रहा है, इस ज्वाइंट पे हमको अच्छे से पूरा जो ओल्ड कंक्रीट हो जाता है, यहाँ पे भी हमारा जो बीम है, बीम से जो आया हुआ है, ये ओल्ड कंक्रीट के ऊपर भी हमको लगाना है। तो मैं आपको पूरा अब इसका मिक्स करके दिखाता हूँ और लगा के भी मैं पूरा बताऊँगा। जैसे कि फ्रेंड्स, से आप लोग देखिए कैसे इसको मिक्स किया जाता है। ये वाला जो हमारा एक आगे जो डब्बा था उसको हमने पूरा इसमें खाली कर दिया है और ये जो हमारा डब्बा है 1.35 लीटर का, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं। 1.35 लीटर का होता है, ठीक है। तो आप कभी भी इसको आप मिलाए तो डब्बा तो 1:2 का रेशियो होगा, ठीक है। दो पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों का आपको 1:2, ठीक है। जो आपका ज़्यादा वाला है वो आपको ध्यान रखिएगा, जो पार्ट ए था वो ज़्यादा रहेगा और पार्ट बी जो है वो कम रेशियो में रहता है, ठीक है। तो 1:2 का रेशियो रहता है और इसको पूरा ब्रश से ज्वाइंट पे हम इसको अच्छे से पूरा मिक्स करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको पूरा लगा कर भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में, अब कैसे मिक्स हो रहा है वो मैं पूरा दोनों डब्बे के खाली कर देंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से आपस में मिलाएँगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों डब्बा हमारा ये वाला जो था दोनों हम खाली कर दिए हैं, ठीक है। आप इसको मिला सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से मिलाइए इसको पूरा, इसको भी आप लोग भी जो आप नीटो बॉन्ड जब भी यूज कीजिएगा उसको अच्छे से एक तगाड़ी में रख के बढ़िया से उसको एक स्टील बार से उसको अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा। प्रॉपर तरीके से जब मिक्सिंग हो जाएगा उसके बाद ही आप किसी भी आपका छत होगा, मान लो आप घर बना रहे हैं तो घर का आपका अगर ज्वाइंट है, कहीं भी आपका छत है, पर्सनल घर मकान अगर बना रहे हैं, जो भी आप मकान बनाते हैं, छत का ढलाई करते हैं, एक दिन में वो छत का ढलाई अगर नहीं कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना है, उस ज्वाइंट पर आपको नीटो बॉन्ड मार्केट से खरीद के लेके आना है, ठीक है फ्रेंड।
तो आप लोग भी नीटो बॉन्ड मार्केट से खरीद के लेके आइएगा, और नीटो बॉन्ड मार्केट से खरीद के लेके आने के बाद आप उस ज्वाइंट पर लगा दीजिएगा, तो आपका जो घर का जो छत है ना उसमें से आपको कभी लीकेज नहीं करेगा, जो ज्वाइंट पर ही अक्सर हमारा लीकेज आता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आप मकान बनाए, घर बनाए, और उसमें ज्वाइंट अगर पुराना आपको मान लो कहीं मकान है घर और उसमें आपको नया छत ज्वाइंट करना है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नया आपका छत अगर जोड़ना है, ठीक है, जो पुराना मकान था उससे आपका नया मकान को जोड़ना है, जो छत है उसको, तो ये नीटो बॉन्ड आपको लेके आना है। ये वाला मैं आपको पूरा वीडियो में बता दिया हूँ कैसे रेशियो मिलाना है और कैसे मिक्सिंग करना है और कैसे लगाना है, वो मैं आपको पूरा आगे इस यहाँ पे लगा कर फिर मैं दिखाऊँगा। जैसे कि फ्रेंड्स देख पा रहे होगे, हमने पूरा जो नीटो बॉन्ड हमारा था उसको हमने अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के पास आपको एक ब्रश लेना है, ठीक है, ब्रश से ही आपको नीटो बॉन्ड का पूरा जो लगाना है वो ब्रश से ही लगाना है। तो आप किसी टाइप का प्रकार का भी आप ब्रश ले सकते हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे हम भी एक मार्केट से ब्रश परचेस करके लेके आए इसी के लिए ही। तो इसको हम पूरा अच्छे से थोड़ा बड़ा लिया है, पूरा अंदर तक, इसके अंदर तक पूरा स्टील है वहाँ तक हम इसको पूरा अच्छे से लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बंदा आपको लगाते हुए दिख रहा है ना, पूरे ये ज्वाइंट पे लगाएगा। तो ऐसे ही आप अगर आप मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो पुराना आपका अगर छत है तो उसको भी आप सेम टू सेम जो पुराना छत है उसके ऊपर आप बढ़िया से लगा दीजिएगा, क्योंकि नए छत से ज्वाइंट जो हो जाएगा तो वहाँ पर लीकेज आने का कोई चांसेज नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एज ए टी सेम टू सेम हम यहाँ पे भी जो हमारा लीकेज था, यहाँ पे जो ज्वाइंट था वहाँ पे भी हमने नीटो बॉन्ड का यूज किया है। तो आप कभी भी वाटर स्ट्रक्चर का अगर भी आप काम कर रहे हैं वेस्टी ओवरहेड टैंक में, तो आप आरसीसी का जो ये हमारा वाल बनेगा इसमें भी आपको नीटो बॉन्ड का यूज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम आपका लगेगा, वो आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा ये बंदा कैसे लगा रहा है यहाँ पे, पूरा अच्छे से आप भी नीटो बॉन्ड का यूज कीजिएगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से आप लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि हम नीटो बॉन्ड कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पूरा नीटो बॉन्ड का अच्छे से यूज कीजिएगा, कहीं भी छत का आपका घर का मकान होगा तो वहाँ भी ज्वाइंट पर आप नीटो बॉन्ड जरूर लगाइएगा, आपका लीकेज नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो में जरूर सीख गए होंगे कुछ ना कुछ। इस वीडियो में अगर कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।